हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक F-35C क्रैश हुआ है और इसके बाद से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एयरक्राफ्ट बहुत रिलायबल नहीं है। कुछ दिन पहले रॉयल एयरफोर्स का F-35B भी क्रैश हुआ था। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि मामला क्या है और क्या ये एयरक्राफ्ट सही में रिलायबल नहीं है। लेकिन इससे पहले हमारे स्पॉन्सर का एक मैसेज है, उसको हम देख लेते हैं। अगर आप डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए प्लान कर रहे हैं एज एन ऑफिसर और आप NDA और CDS के थ्रू एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो अनअकैडमी की तरफ से बहुत अच्छा ऑफर आया है। आप मुकाम NDA 1 2022 के अंतर्गत मॉक टेस्ट दे सकते हैं और उसमें अगर आप रैंक 1 से लेकर 10 तक आते हैं तो आपको 6 महीने की NDA स्कॉलरशिप पर डिस्काउंट मिलेगा। रैंक 1 पे आपको 100% डिस्काउंट है, रैंक 2 और 3 को 75% है, रैंक 4 से 6 तक 50% है और रैंक 7 से 10 तक 25% है। सिमिलर केस अगर आप CDS, FCAT, CAPF की तैयारी कर रहे हैं तो मंजिल CDS 1 के अंतर्गत अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं और रैंक 1 से 10 आते हैं, सिमिलरली आपको वहां पर भी डिस्काउंट मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डेट यहां पर याद रखिएगा 30th January। बाकी आप IMA के लिए आक्रमण CDS IMA 2022 और OTA के लिए आक्रमण CDS OTA 2022 60-day बैच कोर्स ले सकते हैं जो कि 2nd February से स्टार्ट होगा। और NDA के लिए आप रणभूमि 2.0 बैच कोर्स ले सकते हैं, ये भी 60 डेज का है और 2nd February से स्टार्ट होगा, एंड होगा 31st March को। अगर आप एयरमैन की तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं ब्रह्मोस एयरफोर्स एक्स बैच जो कि 2nd February से स्टार्ट होगा और 2nd अप्रैल 2022 तक चलेगा। यहां पर आपको क्या फायदे मिलेंगे ये भी बता दें। आपको डेली फ्री लाइव टेस्ट मिलेगा, 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, SSB प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प मिलेगी, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग होगी, आपको प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इन सब कोर्सेज में आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं हमारा रेफरल कोड MATRIX10 को यूज करते हुए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं US नेवी के सबसे एडवांस F-35C एयरक्राफ्ट के क्रैश के बारे में। तो F-35 पर हमने एक काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि इसके 3 वेरिएंट्स हैं, ABC। ए जो है वो एयरफोर्स वाला वर्जन है, बी जो है वो मरीन वर्जन है या फिर वर्टिकल लैंडिंग और शॉर्ट टेक ऑफ वर्जन है, और जो सी वर्जन है वो नेवी का वर्जन है। तो इन तीनों एयरक्राफ्ट में जो इनका एयर फ्रेम है उसमें डिफरेंसेस हैं। जैसे कि ए और बी का ऑलमोस्ट विंग स्पैन सिमिलर है, वहीं पर सी का जो विंग स्पैन है कंपेरेटिवली ज़्यादा है और इसके विंग्स जो हैं वो फोल्ड होते हैं। वहीं पर बात करें बी की तो इसके जो इंजन है वो पूरी तरीके से नीचे आ जाते हैं घूमकर और इसे वर्टिकल लिफ्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है जिसकी वजह से थोड़ा सा वजन भी बड़ा है और इंटरनल गन नहीं है इसमें, और बाकी दोनों एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में वेपन कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा लो स्पीड पे फ्लाई करता है। तो बाकी दोनों एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में इसकी जो एरोडायनामिक परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी कम है। तो इस एयरक्राफ्ट की जो मेन स्ट्रेंथ है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और इसके स्टेल्थ फीचर हैं। इसमें जिस तरह की सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है वो अनमैच्ड है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी अनमैच्ड है जो कि इसे मॉडर्न वॉरफेयर के लिए काफी बड़ा एडवांटेज देती है। बट नॉर्मली अगर आप फाइटर एयरक्राफ्ट के हिसाब से इसकी एरोडायनामिक परफॉर्मेंस को देखेंगे तो वो आपको नॉर्मल फाइटर एयरक्राफ्ट से थोड़ी सी कमी दिखेगी। यहाँ पर हम सस्टेन टर्न, इंस्टेंटेनियस टर्न, मैक्सिमम एंगल ऑफ अटैक जैसे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से डॉग फाइट्स में ये एयरक्राफ्ट बहुत अच्छा नहीं है। पर एक कंटेस्टेड एयर स्पेस को पेनिट्रेट करके जो अंदर सरफेस टू मिसाइल सिस्टम है, इंपॉर्टेंट रडार स्टेशन है, उनको डिस्ट्रॉय करके बाकी एयरक्राफ्ट के लिए रास्ता बनाने के लिए बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। लेकिन जिस तरीके से पहले प्लान किया गया था कि एक ही एयरक्राफ्ट होगा जो US के और बाकी जो नेटो कंट्रीज हैं उनके 4th generation एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए होगा, ये उस रोल पे पूरी तरीके से खरा नहीं उतर पाया है। इसके पीछे जो बड़ा रीजन है वो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ऑल दो ओवरऑल कॉस्ट इसका कम है बट ऑपरेटिंग कॉस्ट 5th generation फाइटर होने की वजह से ज्यादा है। वहीं पर जब नेवी की बात आती है तो एक 5th generation फाइटर को एक हार्श एनवायरनमेंट में ऑपरेट करना है अपने 5th generation फीचर्स को रखते हुए, तो मेंटेनेंस वैसे ही बढ़ जाती है। ऑल दो बहुत सारे नंबर्स इनके डेवलप किए गए पर जिस हिसाब से सोचा गया था इसके ऑपरेशन होंगे और ऑपरेट किए जाएंगे उस लेवल पर ये पहुंच नहीं पाए। इवन US नेवी को F-35C के साथ साथ सुपर हॉर्नेट के नेक्स्ट वर्जन पर फोकस करना पड़ा जैसे कि Block 3 है, क्योंकि उन्हें भी ये बात पता है कि F-35 जैसे 5th generation फाइटर को डे टू डे ऑपरेशंस में यूज़ करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा।
ये स्पेशलाइज्ड रोल के लिए ठीक है, पर जो डेली ऑपरेशंस होते हैं जिसमें मैक्सिमम पेट्रोलिंग वगैरह होती है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएंगे, तो इनको एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ पैरेलल में यूज़ करना ज़्यादा सेंस बनाता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं जब एक F-35C क्रैश हुआ है। तो एक F-35C के क्रैश होने से और कुछ दिन पहले रॉयल एयरफोर्स का एक F-35B क्रैश हुआ था, उसके होने से एक इमेज बन रही है F-35 की कि ये काफ़ी अनरिलायबल एयरक्राफ्ट है। और ये खाली इतने ही क्रैश नहीं है, एक और काफ़ी फेमस क्रैश था अगर आपको याद हो, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स का एक F-35A क्रैश हुआ था जिसको ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत हुई थी, क्योंकि वहाँ पर कोशिश ये थी कि ये एयरक्राफ्ट कहीं गलती से रशियंस या फिर चाइना के हाथ में ना लग जाए। बाकी पहले भी कई F-35 क्रैश हुए हैं, इसमें एक अगर आपको इंसिडेंट याद हो तो हमने खुद डिस्कस किया था कि F-35B ने अपने गन पॉट से एक बुलेट फायर करी थी जो कि उसे ही लग गई थी। बाकी एक और बड़ा एक्सीडेंट था जहां पर US मरीन का F-35B जो है रिफ्यूलिंग के दौरान अपने कंट्रोल खो बैठता है और रिफ्यूलर से ही टकरा जाता है, तो इसमें एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से डैमेज हो गया था और रिफ्यूलर भी डैमेज हुआ था। बाकी एक साउथ कोरियन F-35A जो है वो क्रैश हुआ था, बेली पे लैंड किया था जहां पर उसके सारे सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया था। तो कुल मिला जुलाकर आप क्रैशेस को देखें तो ये 7-8 क्रैशेस हैं और काफ़ी बड़े क्रैशेस हैं, ये काफ़ी पॉपुलर रहे और न्यूज़ में हम सब ने इसके बारे में सुना। तो ऐसा नहीं है कि F-35 प्रोग्राम में कोई खामियां नहीं थी, इस एयरक्राफ्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन अगर आप टोटल नंबर को देखें तो 700 के ऊपर ये एयरक्राफ्ट बनाए जा चुके हैं। तो अगर 700 एयरक्राफ्ट में 7 क्रैश हो जाते हैं तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। और जितने क्रैशेस हुए हैं उसमें कई केसेस में गलती पायलट और क्रू की भी रही है, जैसे कि जो रॉयल एयरफोर्स का F-35B क्रैश हुआ था उसमें रेन कवर हटाना भूल गए थे एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराने से पहले, जिसकी वजह से वो क्रैश हुआ। उसके बाद जो अभी F-35C क्रैश हुआ है इसमें देखने से ऐसा लगता है कि एयरक्राफ्ट नॉर्मली लैंड कर रहा था पर प्रॉपरली कर नहीं पाया, इसलिए डेक से टकरा कर जो एयरक्राफ्ट है वो पानी में चला गया। तो यहाँ पर भी अच्छे खासे चांसेस हैं कि पायलट की मिस्टेक हो सकती है। तो इस एयरक्राफ्ट को पानी के नीचे से निकालने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो ये है क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है वो साउथ चाइना सी में डूबा है और इस चीज़ पर चाइना की पैनी नज़र है, इसलिए कोशिश ये करी जा रही है कि जल्द से जल्द इस एयरक्राफ्ट को साउथ चाइना सी के बॉटम से निकाला जाए। ये बात आप ज़रूर कह सकते हैं कि जिस हिसाब से इस एयरक्राफ्ट को बनाया गया था कि आगे चलकर 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा, उस हिसाब से ये सक्सेस नहीं है, पर ये कुछ स्पेशलाइज्ड रोल के लिए बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है और इसे हम अनरिलायबल नहीं कह सकते क्योंकि 700 में से 7 एयरक्राफ्ट के क्रैशेज हुए हैं। लेकिन हाँ, इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होने वाला है पर एयरक्राफ्ट काफ़ी अच्छा है और बाकी दुनिया में जो दूसरे एडवांस एयरक्राफ्ट हैं वो टेक्नोलॉजी के मामले में कम से कम इससे एक जनरेशन पीछे हैं। आई होप F-35 को लेकर जो मिसकंसेप्शंस हैं और इसका जो एक्चुअल रोल है वो यहाँ पर आपको समझ में आया हो। बाकी इस एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, इसके एवियोनिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं डिटेल में, तो वो लिंक हम शेयर कर देंगे। अगर आपको डिटेल में इस एयरक्राफ्ट को जानना हो तो वहाँ से आप वो इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। आई होप चीज़ें सबके लिए क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।